भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के काजीचक हरिजन टोला मोहल्ले के रहने वाले सतीश दास के साथ मोहल्ले के ही युवकों के द्वारा उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे उसका सर फूट गया, वहीं शरीर में भी गंभीर चोटें आई है। पीड़ित युवक का कहना है कि मोहल्ले के कुछ बदमाश युवक नशा करने के लिए उसे 2000 रुपये मांग रहे थे, नहीं देने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के बाद जब घायल युवक अपनी फरियाद लेकर मुजाहिदपुर थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी फरियाद सुनने के बजाय उसे डांट डपट कर भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित फरियाद लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय पहुँचे, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक कहीं फील्ड में निकले हुए थे, जिसके कारण पीड़ित की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं उनके कार्यालय से पुलिसकर्मियों ने मुजाहिदपुर थाने को फ़ोन कर पीड़ित की फरियाद सुन कार्रवाई करने की बात कही। तब भी पीड़ित थाने के डर से जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने समझा बुझा कर उसे थाने भेज दिया। मारा हमको तो, मिल के हम बोला कि हमको पैसा 2000 रुपए तो हम नशा पानी करेंगे, नहीं तो तुमको अभी मारेंगे। कौन लोग सर मिल के मारा हमको? कौन लोग? मुसलमान था। नाम बोलो ना, नाम जानता है? नाम क्या, घर जानते हैं, लेकिन बच्चा सब नया वहाँ का नाम नहीं जानते, लेकिन आदमी को पूरा चीन रहे, हम घर तक लेके जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, मारपीट? उसके बाद जब वहाँ गया, उसका बाप हमको पकड़ लिया, चारों पट्टी से बोलता हम तुम्हारा इलाज विलाज का सब चीज करा देंगे, बोलेंगे अभी आप इलाज करा दिए, कल हमको गोली मार देगा तब। हाँ। अभी बताइए कौन बोला ये बात? उसका बाप बोला जो मारा इलाज विलाज करवा देंगे। हाँ, जिसका बेटा मारा उसका बाप बोल रहा है हम इलाज विलाज सब करवा देंगे, आप बैठिए यहाँ। पकड़ के भी लेके गया, बोले नहीं हम जा रहे हैं केस करने के लिए। थाना गए तो क्या हुआ? थाना गया 15 मिनट बैठा कर, बोलता है लिखा पढ़ी के साथ लाया, दस्तों के लिखवा के लाओ, ये लाओ, जब तक मैं सर आदमी मर जाएगा, लिखवाना भी बेकार हो गया, सब चीज बेकार हो गया। कौन थाना गए? मुजाहिदपुर थाना से। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैडम आया, मैडम सीधा बोल रहा उसको भी जेल करेंगे, तुमको भी जेल करेंगे, यही बात मैडम बोला। अभी कहाँ आ गए? कोई इलाज? एसपी को दिया, यहाँ आया। कोई इलाज उलाज नहीं हुआ? नहीं, अभी हम कुछ नहीं कराया। यहाँ क्या बोला गया? अभी कुछ नहीं बोला गया, बोलता हम यहाँ से मुजाहिदपुर थाना फोन करते हैं, अब देखते हैं क्या करता है, कल गोली मार देगा फिर हमको, तो वही हो जाएगा। थाना कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। थाना सीधा बोलता तुम दोनों को जेल दे देंगे, दो बेटा है, परिवार है, बोलिए हम लोग से क्या लड़ेंगे, क्या झगड़ेंगे, कलम बीच रास्ते पर हमको गोली मार देगा तब क्या, कौन जिम्मेवारी मेरा लेगा, मेरा दोनों बेटा का? वो लोग नशे में रहता है क्या? हाँ सर, सब दिन नशे में रहता है सर। मार थाना अभी हम यहाँ आए, अगर हमको कल गोली मार दिया इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी बताइए, दो हमको बेटा है, परिवार है, बाप नहीं है, माँ है, बहन है, कौन जिम्मेवार लेगा, कल हमको गोली मार देगा तब बताइए सर, आप ही लोग इंसाफ दीजिए मेरा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।